बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। रमन सिंह ने कहा कि ये सरकार आर्थिक कुप्रबंधन और तबादला उद्योग के लिए जानी जाएगी। साथ ही रमन सिंह ने कहा कि अब तक के बड़े शिक्षण संस्थानों में छात्रों का प्रवेश पेमेंट सीट से होने की बात सुनी थी, लेकिन इस सरकार के शासन में पहली बार अधिकारियों के तबादले पेमेंट सीट के जरिए हो रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि ये बातें रमन सिंह ने कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में कही है। बीजेपी ने रविवार को वर्चुअल रैली का आयोजन किया, जहां केंद्र की मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के एक वर्ष पूरा होने के मौके पर इस रैली का आयोजन किया गया था। ये सरकार ने छलावा किया, अभी जो पैसा बाकी है युवकों से बात करना चाहिए। जब गांव में जाएंगे मेरे एक कार्यकर्ता 2500 रुपया बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी, 18 महीने हो गए मगर बेरोजगारी भत्ता का कहीं पता नहीं। वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, निराश्रित पेंशन 1000 किया जाएगा। शिक्षा कर्मियों को नियमित करने का वादा किया था, वो भूल चुके हैं। सरकार ने शासकीय कर्मचारियों की जुलाई 2021 दो वेतन वृद्धि रोक दी है। सरकार दिवाली में स्थिति में है।